एग्जाम के लिए जो कुछ भी न्यूज़ का पार्ट बना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा सिंपल सी बात है पार्लियामेंट किससे करता है संविधान में लिखा है, आर्टिकल 79 रेफर कर लेना अगर उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है जो आर्टिकल 110 की लिस्ट में दिया गया है वो बिल एक मनी बिल हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को होल्ड करने वाले मिनिस्टर्स को कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। हेलो प्यारे बच्चा लोग, आई वेलकम यू बैच, सभी लेक्चर्स देख लिए आपको इन लेक्चर्स में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं लास्ट क्लास में लास्ट टू लास्ट क्लास में इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स की क्लास में स्टूडेंट्स uh, का कंसर्न ये है कि मैम हम इतनी डिटेल में नहीं गए बच्चा लोग आपको मैम के ऊपर ट्रस्ट करना है अगर आप मैम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपको फिर उसके बाद इश्यूज़ आएंगे कि क्या हमारा सिलेबस पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है जितना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी कुछ हम करवा रहे हैं बेटा ये एक फ्री बैच है और हम एक पेड और फ्री बैच में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं सो डू नॉट वरी जस्ट स्टे काम एंड स्टे चिल क्योंकि जो कुछ भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो हम छुड़वा ही नहीं सकते क्यों क्योंकि हमें रैंक्स बनानी है और आप ही लोग हो जो रैंक्स बनाओगे फंडामेंटल राइट right पे बेटा रिसर्च करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको उस पर पी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको पता है आर्टिकल पच्चीस में क्या है दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू आपको पता है आर्टिकल सत्ताईस में क्या है मोर देन इनफ क्यों क्योंकि पैसेज के अंदर अगर आएगा तो इसरा मैम ने बताया हुआ है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है वी आर नॉट गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ द टॉपिक और द आर्टिकल वाई बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड इट इज जस्ट योर नॉलेज बेस्ड की आपको पता है कि नहीं सो ऑन दिस नोट आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एग्जेक्यूटिव नाउ आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस एन है सो so, एक बार फिर से ब्रीफली हम इसको समझेंगे बट आज के सेशन में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं सो आई होप यू आर एक्साइटेड एंड माई वॉइसल तो आज के सेशन में जैसा कि मैंने बताया यूनियन एग्जीक्यूटिव होने वाला है पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देखेंगे और एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन होता है प्राइम मिनिस्टर की पावर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट गवर्नर के बारे में भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करेंगे सो व्हेन वी टॉक अबाउट हमारी सरकार कैसे चलती है हाउ डज अ कंट्री रन इट इज रन बाय थ्री ऑर्गन्स इट इज रन बाय थ्री ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स होते हैं दिमाग लगाओ कौन से ऑर्गन होते हैं सबसे पहले सबसे पहले कानून कानून का रूल होता है हमारे देश में विच इज नोन एज द रूल ऑफ लॉ कानून रूल करता है ना कि लोग रूल करते हैं सो वी स्टडी द दूल ऑफ रूल ऑफ लॉ हु मेक्स द लॉ हु मेक्स द लॉ द लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर बाय द द लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेवल्स दैट इज Parliament. Parliament for pan India. For entire country, there is a legislature who makes the laws. That is known as the Parliament of India. And what about the states? kya states liye specific legislature gaya Yes. And it is known as the respective state legislatures. Respective state legislatures. It is, it is not known as state parliament. Then.

only one supreme court is there in our country. there are respective states has respective high courts. o state can their governance karne ke liye, o state can the disputes ko resolve karne ke liye. state of Himachal pradesh, state of madhya pradesh, state of uttar pradesh, state of punjab, state of rodiana, haryana, chandigarh. are you understanding? so this is the difference between

Then we move further. हम आगे प्रोसीड करते हैं जो तीसरा और मेन ऑर्गन है देखो आपके एग्जाम के लिए जो कुछ भी न्यूज का पार्ट बना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हाल ही में इलेक्शन हुए हैं गवर्नमेंट फॉर्म हुई है दिस इज बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर इग्जामू तो एग्जेक्यूटिव की हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं एग्जेक्यूटिव की बात करते हैं एग्जेक्यूटिव क्या है ज दी गवर्नमेंट वॉट इज एग्जेक इट इज दरकार यही चीज तो हम लोग पढ़ते है ना यही तो गवर्नमेंट है जो हमें रूल करती है दिस इज दब इसके अंदर कौन आता है सभी अथॉरिटीज जैसे की दी हेड ऑफ द फर्स्ट सिटीजन द प्रेजिडेंट दी एम पीएम की पूरी टीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सी एम साहब गवर्नर साहब सीएम साहब की पूरी पलटन होती है टीम होती है ये सब ये सब क्या करते हैं एक तो उनका ड्यूटी होती है कि भाई वो लॉज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं लॉज को लागू कौन करता है इनके बिना तो इनके बिना अगर मान के चलो प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पुलिस मशीनरी सिस्टम ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर ये सारी चीज़ें अगर हटा दो किसी कंट्री से तो क्या आपको लगता है कि ये कानून जो है जिसकी लेजिस्लेचर में हम बात कर रहे हैं जो लॉज कानून बनाए जा रहे हैं क्या इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब जब डिसिप्लिन ही ही नहीं नहीं होगा स्कूल में जब कोई रूल्स होंगे तो बच्चा किसको फॉलो करेगा अगर वहां पे जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल में ट्रैफिक पुलिस में ना खड़ा हो तो कौन फॉलो करेगा रूल्स को कोई फॉलो नहीं करेगा इसीलिए ये अथॉरिटीज मेक श्योर करती हैं कि रूल ऑफ लॉ कंट्री में हो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा जाता है और उसको दिखाया जाता है सो so, दीज दी ऑर्गन्स वेर इन लेजिस्लेचर मिक्सिलो जुडिशरी को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और अभी आपका जो आगे आने वाले क्लासेस हैं लैंडमार्क जजमेंट के क्लासेस उन दो क्लासेस के अंदर हाँ, आप जुडिशरी की पावर को देखोगे क्यों मैंने जुडिशरी के लिए आपके लिए स्पेसिफिक इनके प्रोविजंस बताने के लिए कोई क्लास नहीं रखी क्योंकि जुडिशरी किन केसेस को डिसाइड कर रही है वही तो पावर बताएंगे ना जुडिशरी की पावर क्या है सो आर दी थ्री ऑर्गन एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी मेरे सभी बच्चों को मेरे सभी बच्चों को पता होना चाहिए ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव की हमने बात कर ली पार्लियामेंट की बात करेंगे पार्लियामेंट

क्या होती है कोलेशन गवर्नमेंट जल्दी से अभी मुझे पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है व्हाट इज अ कोलेशन गवर्नमेंट क्या होती है कोलेशन गवर्नमेंट ठीक है व्हाट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन व्हाट इफ नो पार्टी सिक्योर्स मैक्सिमम वोट्स व्हाट इफ नो मेजोरिटी इज फॉर्म्ड ये सभी सवाल आपके बनते हैं तो लोकसभा में आप जानते हो टोटल मेंबर्स 545 हैं। इलेक्टेड जो स्टेट से इलेक्ट होते हैं 530 है। तेरा यूटी सिलेक्ट होते हैं और दो एंग्लो इंडियन जो करता है, है, है। तो राज्यसभा sure you know, राज का कोई इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा के अंदर आपको ये पता होना चाहिए ये जिस तरह से लोकसभा में इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शंस आपको राज्यसभा में देखने को नहीं मिलते हैं। उसका प्राइम रीजन ये है कि राज्यसभा टू हाउसोल्यूशन क्या कभी राज्यसभा कभ? सरकार ने मेजोरिटी फॉर्म करी थी वो गिर गई उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया अब लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा सरकार गिर गई यानी कि लोकसभा डिजोल्व हो गई और भी सिचुएशन होती है बट राज्यसभा के सिचुएशन में ऐसा नहीं है राज्यसभा के केस में एक्चुअली ऐसा नहीं है दो सौ ढाई सौ सीट्स पे यहाँ पे Uh, होती है जिसमें दो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के होते हैं यूटीज के होते हैं जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और बारह होते हैं जिनको प्रेजिडेंट साहब जो है वो नॉमिनेट करते हैं ठीक है यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है अब ये बहुत सारी चीजें हैं राज्यसभा परमानेंट हाउस है कभी भी रेजोल्यूशन नहीं होता है हर दो साल में एक तिहाई मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं छह साल का उनका टर्म होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राज्यसभा के बारे में जानने में नाउ ये तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले सिटीजन होना चाहिए और आपने ओथ हो किसी भी ऐसे बंदे के सामने जिसको ऑथराइज किया गया हो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ओथ uh, और एफरमेशन अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म्स हर किसी अथॉरिटी के लिए जो संवैधानिक बॉडी है उसको ओथ कैसे लेनी है प्रेसिडेंट को ओथ कैसे लेनी है ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ ये सब आपको शेड्यूल में मिलता है जो शेड्यूल्स है ना बारह शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे आपको देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद अगर आप राज्यसभा में आपका इलेक्शन हो रहा है तो आप नॉट लेस देन 30 इयर्स होने चाहिए और लोकसभा में हो रहा नॉट लेस देन 25 इयर्स

एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का और वो है आर्टिकल आर्टिकल 88 ये बात करता है मिनिस्टर्स की और अटॉर्नी की मिनिस्टर्स की और अटॉर्नी की क्या राइट्स के बारे में कहता है हर मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके पास राइट right है क्या बात करने का बोलने का और हाउस की आइदर हाउस चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का लेकिन उसको वोट करने का अधिकार हम नहीं देते हैं तो याद रखिएगा जो भी मिनिस्टर्स हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है बोलने का अधिकार है लेकिन इस आर्टिकल 88 के वर्च्यू पे हम उसको वोट डालने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। वोट यहां पे मिनिस्टर्स जैसे रिक्वायरमेंट होगी हाउस की उस तरह से वोट लिए जाएंगे मूविंग फॉरवर्ड अब एक टर्म आता है कोरम का आई होप कि आपको पता है कोरम क्या होता है

कि जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है जो कानून अभी आप देखते हो आपके हाथ में एक्ट होता है लॉ होता है भाई उसको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है तो उसकी जो पहली स्टेज होती है उसको कहा जाता है बिल हर एक कानून बिल की तरह से इंट्रोड्यूस होता है कैसे इंट्रोड्यूस होता है एक बिल की तरह से इंट्रोड्यूस होता है तो बिल के इंट्रोडक्शन के लिए इज्जत देने के लिए कम से कम बिल को कितने मेंबर्स ने देखा हमने उन मेंबर्स को चूज़ किया है वोट डाल के राइट टू वोट आई यू अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हम गए वोट डालने के लिए हमने कुछ अपने इलेक्टेड कैंडिडेट्स को बिठाया पार्लियामेंट में तो जब वो पार्लियामेंट में बैठे हो तभी वो बिल पास हो ऐसा ना हो कि जीरो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं बिल पास हो रहा है तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि अगर कोई बिल पास हो रहा है कोई एक्ट बन रहा है कोई कानून बन रहा है कोई लेजिस्लेशन बन रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है उसी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को कहा जाता है कोरम एज सिंपल एज दैट सो द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग बिफोर डिसीजन इज टू बी टेक टेक इन वैलिड आर्टिकल 100 में कोरम के बारे में दिया गया है द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस लोकसभा हो या राज्यसभा हो तो लोकसभा के अंदर 543 राज्यसभा के अंदर 550 uh, 250 तो इसका वन टेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस इनका वन टेंथ मेंबर उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया है इज़ कोरम चलो आगे आ जैसा कि मैंने बताया कोई भी कानून कोई भी लेजिस्लेशन कोई भी लॉ उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है बिल देर इज एन ऑर्डिनरी बिल मनी बिल फाइनेंस बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो कुछ भी काम अगर करना है भाई कोई देखिए हवाबाजी नहीं चल रही तफरीबाजी नहीं चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हर चीज एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है उसी तरीके से संविधान को अमेंड करना हो अगर कोई खर्चों से रिलेटेड बिल प्रिपेयर करना हो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कितना पैसा भारत सरकार ने लिया कितना पैसा गया ये सभी चीजें एक बिल के थ्रू पास होती है खर्चे पानी के लिए आपके फाइनेंस बिल होते हैं उसके बाद संविधान में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है सो दीस आर टाइप्स ऑफ बिल जिसके बारे में यू शुड हैव अ ब्रीफ नॉलेज कि हाँ ये टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं और ये किसी भी कानून के बनने से पहले की स्टेज होती है ठीक है या कोई भी वैलिड डिसीजन लेने से पहले आपको एक बिल पास करना होता है अब मनी बिल्स क्या होते हैं ये देख लीजिए कभी भी किसी भी बिल के अंदर कोई भी टॉपिक अगर पैसों से रिलेटेड है फाइनेंस से रिलेटेड है जो कुछ भी आर्टिकल 110 के अंदर दिया गया जैसे कि आधार की अगर आप बात कर लीजिए आप कहोगे कि मैम इसमें फाइनेंस या मनी से रिलेटेड कोई चीज नहीं है बट अदर लॉज जो भी हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडक्ट द कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल तो ये सभी बिल एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं अब मनी बिल के होने के एक बिल अगर मनी बिल है उसके अपने फायदे बहुत सारे हैं सो नॉट ओनली दैट इट इज अ मनी बिल देर आर अदर बेनिफिट ऑल्सो बिल इफ इट इज अ मनी बिल तो इतना ज्यादा मनी बिल के बारे में आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है बस ये समझ लीजिए संविधान में ही डिफाइंड है संविधान के अंदर एक्चुअली मनी बिल क्या होता है उसकी एक लिस्ट दी गई है अगर कोई भी बिल अगर उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है जो आर्टिकल 110 की लिस्ट में दिया गया है यानी कि अब वो बिल क्या है वो बिल एक मनी बिल हो जाएगा एज सिंपल एज दैट ठीक है तो ये तो बात हो गई आपके मनी बिल की अब आ गया है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहा राहुल गांधी के डिसक्वालिफिकेशन का एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और डिसक्फिकेशन क्यों होता है किस ग्राउंड पे होता है ये भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हालांकि नाउ इट इज़ अ वेरी ओल्ड टॉपिक बट वी शुड नो कि किसी भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे डिसक्वालीफाई किया जाता है जबकि हमने क्वालिफिकेशन देख ली हैं तो डिसक्वालिफिकेशन आर्टिकल एक में दिया गया है अगर कोई भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है उसको कुछ ग्राउंड पे ही डिसक्वालीफाई आप कर पाओगे तो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को आप डिस्क्वालीफाई पहले तो कर पाओगे अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है कि जहां पे उसको इनकम आ रही है सैलरी आ रही है पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं से उसको कोई मॉनेटरी गेन हो रहा है ठीक है इफ इज होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर दी स्टेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये क्या कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके बैठा हुआ है अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है भाई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक ऐसा पॉइंट है कि क्या आप उसको एज अ ऑफ पार्लियामेंट कंटिन्यू करने दोगे क्या आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास कि कोई अनसाउंड माइंड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रेजेंट है आज को अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्योंकि मेरे नजर में तो नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक डिस्कालिफिकेशन हो जाता है अगर आप अनसाउंड माइंड के हो या हो गए हो बाद में भी हो गए हो ठीक है उसके बाद अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि है उसको उसका दिवालिया निकल गया यानी कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है उसके पास अब पैसा नहीं बचा अब उसके पास पैसा नहीं बचा वो कर्जे में डूबा हुआ है बैंक करप्ट हो गया है सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं ही नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहा ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि राहुल गांधी को इसी के अंदर मतलब अब पार्लियामेंट ने बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर ये कहा गया है अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दो साल से अधिक की सजा होती है ऑटोमैटिक डिस्कालीफिकेशन ऑटोमेटिक डिस्कालीफिकेशन हो जाएगा इसी चीज में राहुल गांधी का डिस्वालिफिकेशन uh, होता है ठीक क्या अब देखिए अच्छा डिस्कवालिफिकेशन कुछ अदर ग्राउंड्स पे भी होता है आया राम गया राम सुना है तो होता क्या है कि भाई तुमने एक पार्टी तुम्हें पसंद है तुम एक पार्टी से खड़े हुए उस पार्टी ने तुम पे विश्वास दिखाया वो पार्टी ने तुम्हें टिकट दिया तुम उस टिकट पे जीत भी गए अब तुम्हारा दिल किसी और पार्टी में लगा हुआ है अब तुम ये पार्टी छोड़ के जाना चाहते हो तो इस टाइम इस पॉइंट पे भी आपका डिस्कवालिफिकेशन हो सकता है अ पर्सन शैल बी डिस्कवालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ई सो डिस्कालीफाइड अंडर देंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टेंथ शेड्यूल इसी के बारे में बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉज बनाए गए डिफेक्शन क्या सिचुएशन होती है बेटा वॉट इज दिचुएशन ऑफ डिफेक्शन वी टॉक अबाउट पोलिटिकल पार्टीज जब भी हम डिफेक्शन की बात करते हैं यही जब आप अपनी पार्टी के साथ लॉयल नहीं है आपको दूसरी पार्टीज में इंटरेस्ट आ रहा है आप अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं ये सब डिफेक्शन के सिचुएशंस हैं तो पहला देखिए अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपको इलेक्ट किया गया है उसी को वॉलंटरीली आप छोड़ना चाह रहे हो महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा एक शिंदे उद्धव ठाकरे पूरी सिचुएशन हम लोगों ने देखी अगर आप अपनी पार्टी जिसने आपको टिकट दिया है उसी के लिए आपको इलेक्शन में आप खड़े हुए हो और उस पार्टी के खिलाफ ही वोटिंग कर रहे हो आप तो यहां पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको अगर आप इंडिपेंडेंटली मान के चलो मेंबर इलेक्ट कर किसी अन्य में पार्टी के अदर देन द पार्टी फ्रॉम होम यू आर स्टैंडिंग और लास्टली अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो किसी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स दो अलग अलग होते हैं ठीक है एक होता है जिसको नॉमिनेट किया गया एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक जो इलेक्ट हो गया तो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ्स तो सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर आपको इलेक्टेड मेंबर होना पड़ता है आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाओगे छः महीने का टाइम मिलता है लेकिन छ महीने के अंदर अंदर छ महीने के बाद आप क्या कर रहे हो आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो ज्वाइन कर रहे हो किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को छः महीने के बाद छः महीने पहले एक एक पोलिटिकल पार्टी में थे छः महीने के बाद कहीं और जा रहे हो तो ये सब एंटी डिफेक्शन लॉस के अंदर कवर होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर जो मैंने आपको बताया था सेक्शन एट इसके बारे में डील करता है सेक्शन एट क्लियरली ये कहता है कि अगर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं अगर आपको इसके अंदर डिसक्वालीफाई किया जा रहा है मतलब अगर आपको इसके अंदर पनिश किया जा रहा है तो आप डिस्कवालीफाई हो जाओगे जैसे कि अगर आप मान के चलो रिलीजन के ऊपर किसी दो ग्रुप्स के बीच में नफ़रत पैदा कर रहे हो है ना गलत गलत बयान कर रहे हो हेटरेट पैदा कर रहे हो अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज कर रहे हो ब्राइबरी आपने दी हुई है पैसा वैसा दिया हुआ है खिलाया हुआ है मोटा पैसा ठीक उसके बाद आप क्या कर रहे हो गुड्स की होर्डिंग कर रहे हो इकट्ठा कर रहे हो आटा इकट्ठा कर रहे हो नमक इकट्ठा कर रहे हो बंदूक इकट्ठा कर रहे हो इतना इकट्ठा कर ले रहे हो मान के चलो कि इलेक्शंस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कुन कुछ 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 चीज़ों की उसकी आपने होर्डिंग होर्डिंग कर ली फूड या ड्रग्स के अल्ट्रेशन में आप पाए गए हो या फिर आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर फंस गए हो तो इन सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है इन सारी इन सभी चीज़ों के अंदर आपका डिसक्वालिफिकेशन हो जाता है फिर उसके बाद मान के चलिए अगर कोई डिसक्वालिफाइड पर्सन कन्विक्ट किया गया है और उसको सेंटेंस कर दिया गया है टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन टू इयर्स वेयर इन रागा वॉज कवर्ड हियर ओनली इसी में रागा फंसे थे दो साल की सजा हो गई दो साल की सजा होने पे क्या होगा आपको डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा वही सिचुएशन यहाँ पे हुई ठीक है हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज किया बट मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे आपकी मिनिमम पनिशमेंट जो है वो दो साल की है दो साल या दो, से, दो साल से अधिक अगर आपको सजा होती है तो आप क्या हो जाओगे आप डिसीफाई हो जाओगे आगे आ जाओ अब कुछ चीजें हैं जो आपको पार्लियामेंट के बारे में पता होनी चाहिए सेशन होते हैं तीन बजट सेशन होता है जहाँ पे फाइनेंस आपका मिनिस्टर पेश करते हैं बजट उसके बाद मानसून सेशन होता है विंटर सेशन होता है इसके अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं सेशन चलता है सेशन के अंदर बहुत सारी मीटिंग होती है एक मैंडेटरी चीज है एटलीस्ट ट्वाइस ईयर पार्लियामेंट को मीट करना चाहिए ये सेशन होने चाहिए मीटिंग्स होनी चाहिए ठीक आगे आ जाओ अब दो मोशंस के बारे में भी पढ़ लो मोशंस क्या होते हैं मोशंस के थ्रू आप अपने बात रखते हो ठीक है मोशन पास होता है एक होता है बेटा एडजर्नमेंट मोशन एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन ये मेंबर्स के द्वारा ही पास किया जाता है तो एडमेंट जो मोशन होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर बात रखने के लिए जैसे कि अभी मैंने बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हाथरस में तो अब हाथरस में का जो इंसिडेंट था ये एक बहुत पब्लिक इम्पोर्टेंट का इंपॉर्टेंस का मैटर है और यहाँ पे सरकार का जवाब दे सरकार का ध्यान इस इस टॉपिक के ऊपर आए इसके लिए एक मोशन पास किया जा सकता है कोई भी मेंबर ला सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार को चेक करने के लिए क्या इनकी मेजोरिटी है तो लोकसभा जो सरकार फॉर्म हुई है ना उनको भी हटा सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके इसको इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पचास मेंबर्स को साइन करना होता है तो और ये सिर्फ लो, लोकसभा में ही पास किया जा सकता है सिर्फ वो ये चेक करने के लिए कि जो गवर्नमेंट है बी करंट रूलिंग क्या उसकी मेजोरिटी है कॉन्फिडेंस ही नहीं वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि हम पढ़ा देंगे या पढ़ लेंगे कॉन्फिडेंस मतलब सरकार चलाने का कॉन्फिडेंस एक तरह से तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर कंप्लीट हो गया पास हो गया बेटा तो इसका मतलब क्या है आपकी सरकार ऑन दी ग्राउंड फॉल हो गई ठीक क्या चलिए अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट for the virtue of being the member of parliament they are having certain privileges what is the meaning of privilege this uh, term privilege you might understand very easily when you see the uk model wherein queen the queen's children they are privileged why because they belong to the royal family hence they are privileged so, because they are born in that royal family, they are privileged. Hence, the same thing applies here also. Because you are a member of parliament, that means you are having certain privileges. Now, what are those privileges? Firstly, those privileges are very, very important in a democracy. The members of the legislature receive special benefits. Right? So they are very, very important. Privileges kare. Keep individual privileges arrest parliament. किसी को भी मान के चलिए उसका सेशन चल रहा है चालीस दिन पहले सेशन के और चालीस दिन बाद के सेशन में किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता आप जो भी हाउसेस के अंदर बात चल रही है किसी भी टॉपिक के बारे में बात चल रही है आपके पास फ्रीडम है आप उसके बारे में बोल सकते हैं अपना पीओवी रख सकते हैं वो चाहे तो मान के चलो अगर उनको अपेयर करने के लिए बोला जाता है कि कोर्ट में आपको अपेयर करना है आपको विटनेस बनना है आपको कुछ ना कुछ गवाही देनी है तो वो चाहे तो उसके लिए मना भी कर सकते हैं ठीक है आगे आ जाओ अब कुछ कलेक्टिव प्रेवरेजेस है कलेक्टिव मतलब बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो या बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके कुछ कलेक्टिव प्रिवरेजेस होती हैं जैसे कि जो भी रिपोर्ट होती है हाउस की डिबेट की प्रोसीडिंग्स की उसको पब्लिश किया जा सकता है या मना भी किया जा सकता है कि काइंडली इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करना है अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में जो पास उसने अलाउ कर दिया था मीडिया को कि आप हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो भी सत्य प्रोसीडिंग्स है उसको आप खुलेआम पब्लिश कर सकते हो कोई इसमें मना ही नहीं है लेकिन ट्रू ट्रू प्रोसीडिंग्स को आपको पब्लिश करना है ऐसा नहीं कि आपको डाउट है तो उस डाउट को आप की मान के चलिए स्कीम से कितने लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ शायद इतने लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ इसको आप चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे ठीक है साथ ही साथ कलेक्टिवली स्ट्रेंजर्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं आप कंडक्ट ऑफ बिजनेस वर्क को एड करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं लोगों को मेम्बर्स uh, को एक्चुअली सस्पेंड भी कर सकते हैं एक्सपेल भी कर सकते हैं इमीडिएट इफॉर्मेशन आपको जाननी आपको मिल सकती है प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट इनको कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जाता यानी कि जुडिशरी विल नॉट इंटरफेयर इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट विल नॉट इंटरफेयर इन जुडिशरी प्रोसीडिंग्स हेंस इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आई यू अंडरस्टैंडिंग नो पर्सन आइदर अ मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस प्रोसेस मतलब सम्मान वमन वारंट नहीं भेजा जा सकता है कैन बी सर्व विद इन द एरिया ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब जलवा है देख रहे हो आप जलवाए लेकिन तब भी उसके बाद भी कुर्सियां पटकी जाती हैं बताओ अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रेसिडेंट की तो द्रौपदी मुर्मू जी को फिफ्टीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट सभी को याद होना चाहिए प्रेजिडेंशियल इलेक्शन के अंदर पहले तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे प्रेजिडेंट सिटीजन होना चाहिए पैंतीस साल की एज होनी चाहिए लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके ना रखा हो और कभी भी अगर कोई प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है प्रेसिडेंट पांच साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है जिस दिन से एंटर हुआ है पांच साल का ऑफिस इनका होता है ठीक है द्रौपदी मुर्मू जी से पहले कौन प्रेसिडेंट थे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए अब प्रेजिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं इट इज द प्रेजिडेंट इज नॉट इलेक्टेड एज दी एम इज इलेक्टेड ठीक है प्रेजिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होते हैं कॉलेज मतलब वाला कॉलेज नहीं जहाँ हम लोग जाते हैं वो नहीं कॉलेज मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराता है वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है बट मेंबर्स कौन होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं जिसमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के लोग होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ़ द स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी की जो असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं ठीक है अब कई बार होता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है सिर्फ नाम का हेड है नॉमिनल हेड है इसकी कोई पावर वावर नहीं है देखो पावर बहुत होती है जितनी भी आर्मी नेवी डिफेंस इन सबका चीफ कमांडर कौन है प्रेजिडेंट साहब है इसीलिए कभी प्रेजिडेंट यंग नहीं होता है मजाजा कह दे कि आज वॉर छेड़ दो चाइना को आज चाइना को उड़ा दो इसीलिए यंग ब्लड को नहीं रखा जाता है एज प्रेजिडेंट क्यों क्योंकि जब जोश होता है तो डिसीजंस रैंडम भी हो सकते हैं जहाँ पे ब्रेन एप्लीकेशन ज़्यादा ना हो इसीलिए एक्सपीरियंसड को रखा जाता है एजिट को रखा जाता है तो संविधान के अंदर प्रेजिडेंट की सेम पोजिशन है जैसे कि इंग्लैंड में किंग की होती है वो देश को रिप्रेजेंट तो करता है लेकिन रूल नहीं करता है रूल कौन करता है पीएम करता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में वो जगह है जैसे कि एक दुल्हन नहीं होती सजा के बिठा दी जाती है, मस्ती मजाक तो और लोग करते हैं तो दुल्हन कोई मस्ती नहीं कर पाती है उसी तरीके से प्रेजिडेंट साहब बस एक सेरेमोनियल है एक नाम के प्रेजिडेंट है बट हाँ जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही इज जनरली बाउंड बाई दी एडवाइस जो भी पी एम पी एम की टीम जो बोलेगी वो उनको मानना पड़ेगा किसी भी हाल में ठीक है तो ये सारी सिचुएशन है आगे आ जाओ प्रेजिडेंट बाउंड बाई दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा बाध्य रहता है हमेशा बाध्य रहता है और ये बहुत सारे चेंजेस इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए थे फोटी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने पास किया था और इन्होंने प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया था कि ये काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स की एडवाइस से बाउंड रहेंगे हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर द फोटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट द प्रेजीडें टू रिक्वायर काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर फोर्टी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि आप प्रेजिडेंट को बाध्य कर दे रहे हो कम से कम प्रेजिडेंट को इतनी तो ऑप्शन दो कि वो ये कह सकता है कि ये बात हमें ठीक नहीं लगी ये जो आप बोल रहे हो कि हमें इस पर्सन को छुड़वा देना है जेल से तो ये बात हमें ठीक नहीं लगी आप काइंडली इसको रिकंसिडर करिए तो ठीक है फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड कर दिया गया तो जब ऐड कर दिया गया रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के बाद सेम चीज वापस आ गई प्रेसिडेंट के पास तो उसके लिए वो फिर बाउंड हो जाता है ही शाल एक्ट शाल वर्ड यूज किया गया ठीक है अब प्रेसिडेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है जहाँ पे प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव काम करता है लेजिस्लेटिव यानी कि जिस तरह से लॉ बनाने की पा पावर पार्लियामेंट की है प्रेजिडेंट भी कानून बनाता है और आर्टिकल एक इसके बारे में बात करता है ये पावर गवर्नर के पास भी है इसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो प्रेजिडेंट एक्टिव हो जाता है प्रेजिडेंट ये कर सकता है अर्जेंट मैटर्स में अनफोर्सिंग जो देखा नहीं था एकदम से ऐसा कोई मामला आ गया तो वो कर सकता है एवरी ऑर्डिनेंस इश्यू ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर दी बोथ हाउसेज ऑफ दार्लियामेंट वेन इट रीअसें तो ये करना पड़ता है ये जो ऑर्डिनेंस होती है इसकी लाइफ जो होती है सिक्स वीक्स की होती है आगे आ जाओ जो, जो मैंने आपको बताया था पार्डन करने की पावर प्रेजिडेंट की होती है किसकी पार्डन करने की वॉट इज पार्डनिंग पार्डनिंग मतलब किसी भी जेल टर्म को या किसी भी सजा को माफ कर देना किस हद तक की माफ करना यह भी बताया गया है जैसे कि प्रेजिडेंट पार्डन और ये भी चीज गवर्नर के पास भी है जिनको भी ट्राई और कन्विक्ट करा गया है किसी भी ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ यूनियन लॉ बनाया गया था उसके अगेंस्ट आपने कोई पनिशमेंट आपको मिली है पनिशमेंट कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट ने दी है आपको यस डेथ सेंटेंस है तो ये प्रेजिडेंट के ऊपर है किस तरह से आपको पारन कर रहा है माफ कर दे रहा है पूरा छोड़ दे रहा है चेंज कर दे रहा है आपकी पनिशमेंट को इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजिडेंट कई सारे टर्म्स यूज किए गए हैं अब गवर्नर के पास भी सेम पावर है ये आप इसको देख लीजिएगा पार्टन करने की बस गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को पाटन नहीं कर सकता है दिस इज द डिफरेंस ठीक है आगे आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम सब जानते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए ये थर्टी फाइव मिनिमम एज है इनकी क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर दी राज्यसभा प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट जगदीप धनखड़ जी जो है वो वाइस प्रेजिडेंट है इलेक्शन की बात करेंगे अब इलेक्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं हम लोग अब सीधे सीधे आ जाएंगे आपके आ, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ठीक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर से अपना कारोबार संभाला है ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लोकसभा प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है नाम का होता है बट रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और गवर्नमेंट का सरकार का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों से अगर मान के चलो प्रेजिडेंट की के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आई मान के चलो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आती है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ठीक नहीं हुआ इसके अंदर फ्रॉड हुआ है अनड्यू एडवांटेज मिला है कौन अपना फैसला देगा इस पर कौन डिसाइड करेगा कि ये डिसीजन सही था या नहीं था हु इज गोइंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट काइंडली आंसर इन comment सेक्शन ठीक है चलो तो प्राइम मिनिस्टर का हमेशा याद रखिएगा हमेशा हमेशा याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए आर्टिकल 75 में दिया गया कोई स्पेसिफिक इनके लिए अलग चार्ट वार्ट नहीं बनानी है इसी में दिया गया एक लाइन में बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर शाल बी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपॉइंट होता है क्यों क्योंकि एक पार्टी फॉर्म होती है जो पोलिटिकल uh, पार्टीज होती हैं पोलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं इलेक्शंस होते हैं इलेक्शंस में आप जाके किसको वोट देते हो यू नेवर वोट फॉर दी एम

अपनी टीम का लीड होता है अपनी टीम का लीड होता है सबको अलॉट करता है तुम्हारा ये पोर्टफोलियो होगा तुम्हारा ये होगा, ये पोर्टफोलियो होगा तुम्हारी जॉब होगी और इनकी इनकी टीम का जब अपॉइंटमेंट होता है तो इसमें एडवाइस ली जाती है और उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है ठीक है एज सिंपल एज दैट चलो अब आगे आ जाओ अब इनकी टीम जो मैंने तुम्हें बताई इनकी टीम को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में

कैबिनेट मिनिस्टर्स तो पूरी टीम है मान के चलो पचास लोगों की टीम है पचास लोगों की टीम में सिर्फ और सिर्फ नौ दस ग्यारह बारह मैक्सिमम इतने ही कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स हो सकते हैं क्यों क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एजुकेशन हो गया होम हो गया डिफेंस हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया लॉ हो गया यही कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं ठीक है सो कैबिनेट मिनिस्टर्स जान लो इनकी पूरी टीम लगती है सरकार को चलाने में अब एक प्रिंसिपल है बेटा द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि इसके अंदर पूरा एसेंस है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स में जो लोकसभा को जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होता है कौन मिनिस्टर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपने लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया लोकसभा में बिठा दिया हमने इलेक्ट किया जाके वोट डाला वो क्या पॉलिसी ला रहे हैं क्यों अपॉइंट कर रहे हैं इन लोगों को क्या स्कीम ला रहे हैं क्या इन्होंने अग्रीमेंट किया युगांडा के साथ कहाँ कहाँ ये जाते हैं क्या इनकी स्कीम है कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ क्या सोच विचार है क्या सारी चीजें ये लोकसभा में राज्यसभा में अपनी बातों में रखते हैं इन सभी पॉइंट्स पे बेटा जवाबदेही तो बनती है गवर्नमेंट की द पीपल हु आर रूलिंग द कंट्री हु आर रूलिंग अस व्हेन पीपल हैव अपॉइंटेड यू व्हेन पीपल हैव इलेक्टेड यू व्हाट आर यू डूइंग फॉर द पीपल यू हैव टू आंसर दिस एंड हाउ विल यू आंसर यू विल आंसर टू दी लोकसभा वेर इन दी ऑपोजिशन ऑल्सो सिट्स वेर इन दी वॉइस तो वहां पर आवाज उठेगी कि क्या हुआ वहां पर आपने बताया नहीं किसी बच्चे को ट्रेन से फेंक दिया जा रहा है कहीं, पे जा रही है कहीं पे लोग मर रहे हैं स्टैम्पेड हो रहा है लोग कुचले जा रहे हैं तो जवाब दे तो है आपकी ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो टीम काम कर रही है उसकी जवाबदेही होगी लोकसभा को वहां पे आप अगर बोल रहे हो कि हम ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं तो आप बताओ कि उस पॉलिसी से क्या फायदा हुआ हुआ भी हुआ भी कि नहीं सो इट इज द द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड डिसीजन अपनी टीम के डिसीजन के साथ खड़े रहना पड़ेगा फिर उसमें ये नहीं कह सकते टीम मतलब एक ही टीम फिर वो ही नहीं कह सकता मान के चलो एजुकेशन मिनिस्टर कुछ और कह रहा है अपनी पार्टी से अलग बात कर रहा है नहीं कर सकता इफ एनी मिनिस्टर विद द विदिल्स डिसीजन आई एम नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट आपको रिजाइन करना चाहिए सो दिस इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुअर्ड्स द लोकसभा आगे आएंगे और इसी के साथ आई थिंक हमने अपने आज के टॉपिक को ओवर कर लिया है यहाँ पे आपको अपने नोट्स में अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने डाला हुआ है ये आप चाहें तो पढ़ लें अटॉर्नी जनरल को प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो पर्सन जो क्वालिफाइड है टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनको अब अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होती है कि सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे लीगल मैटर्स पे ठीक है चलो विश करो कि तुम कभी एक दिन अटॉर्नी जनरल बन जाओ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा अभी अभी मुझे पॉज करिए और नीचे कॉमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा अगर आ, मीटिंग होती है हाउस की और कोई भी कोरम प्रोसीडिंग्स में नहीं बन पाया तो क्या आ, वो बिल या वो डिसीजन लिया जा सकता है वॉट इफ द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एनेबल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम इसका जवाब दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिस्वालीफिकेशन ऑफ राहुल गांधी एज अम्बर ऑफ लोकसभा अर्ड ऑन ट्वेंटी फोर्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आफ्टर एन इंडियन कोर्ट कन्विक्टेड गांधी एंड सेंटेंस एवं टू ईयर इम्प्रिजमेंट ऑन चार्जेस ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन बैक इन ट्वेंटी नाइनटीन अप्रैल रैली हुई थी जहाँ पर उन्होंने ये बात बोली थी उसके बाद एक कंप्लेन इनके अगेंस्ट फाइल हुई थी फाइल हुई थी क्या डिस्कवालिफिकेशन वैलिड है कमेंट्स में जवाब दीजिएगा

प्रेजिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल और आपका होमवर्क ये है कि merger का क्या क्या होता है? Uh, disqualification में, merger क्या होता है, है। में और जनरल ऑफ इंडिया कौन है काइंडली आंसर इन दमेंट सेक्शन हमने आज एग्जेक्यूटिव को डिटेल में समझा उसके साथ ही साथ एग्जेक्यूटिव के साथ ही साथ, ही साथ हमने पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा इनके मेकनिज़म uh, को समझा कि पार्लियामेंट कैसे चलता है तो इन दोनों को हमने क्लियरली समझ लिया है और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बट आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको अभी स्टेज पे डॉक्टरेट या पीएचडी हासिल नहीं करनी है आगे समय आएगा दस साल के बाद आपको पीएचडी करनी होगी तो आप एक्सपेक्टेशन भी मत रखो कि इसरा मैम जो है आपको यहाँ पे रिसर्च करवाने के लिए आई है नहीं मैं आपको कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ाऊंगी ताकि आप अवेयर हो जब पैसेज तुम्हारे सामने आए तुम बोलते हो ना कि अरे मैम कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक जान रहे होते हैं पैसेज से चीजें समझ नहीं आती क्यों क्योंकि उसी टॉपिक से कुछ कुछ अदर सब टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं तो तुम्हारे पास एक बड़ी मतलब एक ब्रीफ नॉलेज रिक्वायर्ड है ऑन सर्टन टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी असेंशियल बट देर आर सब टॉपिक्स आर नॉट सो असेंशियल जिसके बारे में हम इतना नहीं सुनते हैं बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड पैसेज एंड इन गो टू दी क्वेश्चन सो दो सब टॉपिक्स को हम इसीलिए कम समय में ज्यादा चीजें आपको कवर कराते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ साथ हमने पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा आज के सेशन में सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगाओ और अगर अच्छा लगाओ तो नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करिएगा जहाँ पे हम लोग लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए अपना ध्यान रखिए बच्चा लोग टेक केयर एंड गुड बाय